अब वो क्या थे कैसे थे उन सब से दूर हटके सर जब ये आने वाले थे उससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट एक चीज लेके आई रोलेट एक्ट तो ये मान लीजिए कि सर ये इन शॉर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर्स दे रहा था राइट right? कि दे कैन होल्ड एनी पर्सन जस्ट वन मेयर बेसिस ऑफ बेसिसन कि सर आप सिर्फ शक के बुनियाद पर कि आपको सिर्फ शक है कि ये कर सकता है नहीं कर सकता आप उसको बिना ट्रायल दो साल के लिए होल्ड करके कर रख कर सकते हैं तो के दो साल की जिंदगी उस इंसान की जिंदगी दो साल के लिए आपकी हाथ में ठीक है सर चीज बड़ी नागवार गांधी को तो सर, वैसे ही वो चोरा चोर इंसिडेंट हो गया क्लियर चोरा चोर इंसिडेंट नाइन ट्वेंटी सर तभी मूवमेंट कॉल ऑफ करना पड़ गया ठीक है सर उसके बाद कुछ ट्रूस का मूवमेंट वेंट बिलो द लाइमलाइट ओके Under the कि सर वो लाइमलाइट से दूर जाना चाहते थे सो ही स्टेड अवे उसके दौरान उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क्स किए लाइक दिन हाइजीन सैनिटेशन ड्रिंकिंग वॉटर और ईच एंड like उसके बाद जैसे ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस का दौर चला थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री ओके साइमन कमीशन आया सब कुछ हुआ आपको सारी टाइम लाइन आई एम जस्ट इमेजनिंग आई एम जस्ट होपिंग आपको याद है राइट right? सर जैसे ही चीजें यहां से ऑफ रोड होना शुरू हुई जैसे ही गांधी जी यहां से कॉन्फ्रेंस टेबल पार्टिसिपेट करने के लिए इंग्लैंड गए लंडन गए अंग्रेजों को दिख गया ठीक है पोलिटिकल लाइफ में कुछ कंसिस्टेंट और सिग्निफिकेंट कर रहे थे सर उनको उठा के जेल में डाल देगा गांधी जी को पता चला वापस आए इवेंट एबसोल्यूटली फ्यूरियस थिंग और सर इसलिए उन्होंने क्या किया सिविल मूवमेंट राइट हाउ सक्सेसफुल इट वॉज हाउ इट इज नॉट ये शायद हमारा शायद जज करने का हम अभी इसलाइक नहीं है टेक्स सो सिंस वॉज अ ग्रेट सक्सेस इन इट्स इन इट्स क्लियर तो सर सिविल डिसबिड मूवमेंट काफी हद तक सफल माना जाता है ठीक है अब इश्यू ये था कि सर एक जम्मू कश्मीर में ऊंधा लड़ रहा है ब्रिटिश के खिलाफ एक दक्षिण भारत में लड़ रहा है एक पूरी भारत पश्चिम भारत उत्तर भारत मध्य भारत ईच एंड एवरी पर्सन लिविंग इन इंडिया

इन्हीं दो केसेस में इंसान को फायदा हो सकता है ओके okay? आप ये याद रखिए सही हमारा एक कॉमन एनिमी है राइट कॉमन एनिमी यहां सर यहां पर ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ और भी काफी लोग जुड़े हुए हैं जो कई लंबे समय से सर आपने कोशिश कर रहे हैं दे आर ट्राइंग टू नो जस्ट थ्रो दम अवे थ्रो दम आउट ऑफ दिस नेशन तो सर यही दो नेशन हैं, यही दो कंडीशन हैं जहां पर

एबल टू यूनाइट इच एंड एवरी इंडियन लिविंग थ्रो द नेशन सर चाहे वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो क्लियर चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हो चाहे वो श्रीनगर से हो चाहे कन्याकुमारी से हो चाहे बॉम्बे से हो चाहे आंध्रप्रदेश से हो ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन इन दिसम स्ट्रगल फाइटेड अगेंस्ट ए कॉमन एनिमी एंड दट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ बिकॉज देर वॉज अस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग सर हम कुछ ऐसी चीज के लिए फाइट करें जो एक इंसान के ना होकर हम सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी ओके इट विल बी इक्वली इंपोर्टेंट इट विल बी इक्वली जस्ट डिग्निफाइड थिंग फॉर अस फॉर एमरस ऐसा नहीं कि सर हमको आजादी मिल गई तो नॉर्थ वाले ज्यादा आजादी ले जाएंगे हमारे लिए कुछ कम बचेंगे नो इट्स एन इमोशन इट्स एन अचीवेबल थिंग तो आज हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि सर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नॉन लाइक इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट ओके आई आई एम कह सकते हैं और लाइक एट वॉज दर्स है क्लियर और बेटर वी लाइक नेशनलिज्म इन इंडिया तो सर उसमें किन किन फेजों में लाइक वैन इट वॉज इन देज

अब आप किसी भी जगह जाएंगे तो हर जगह के लोकगीत अलग होते हैं सर क्योंकि लोकगीत भाषाएं अलग होते हैं परंपराएं अलग है संस्कृति अलग है कल्चर अलग है क्लियर सर फिक्शन फिक्शन एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे क्लियर ये मान लीजिए सर ये आपकी कोरी इमेजिनेशन है और इस बात का सबूत है कि सर आप अपनी इमेजिनेशन को कैसे किसी भी कंडीशन में किसी भी काम में फेवर में लगा सकते हैं सेकेंड आर द सोर्स ऑफ लाइक सॉन्ग्स इस कहते हैं सर म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज ओके म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज तो जब भी आप लाइक पेट्रोटिक सॉन्ग्स क्रिएट करते हैं, या फिर करते हैं so just, you know, words, और सर अगला था पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिम्बल्स आपको जल्दी पता चलेंगे वट आर ऑल द पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिम्बल्स ऑल ऑफ द्लेड ए मेजर रोल इन मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म और इन मेकिंग द ड्रीम ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अ रियलिटी सर एक सपना था क्लियर जो पूरा हुआ ओके कृष्णा चड्डा हेलो सर हेलो बेटा है आप लोग ऑल गुड चलिए तो सर हाउ डिड इट एमर्ज इट एमर्ज लार्जली बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंसिस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल इस बात में इस लाइन में सर आई गेस इस चीज का पूरा कॉन्सेप्ट छो के पास एक्सपीरियंसिस थे स्ट्रगल करने के रिवोल्ट के

विद ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म राष्ट्रवाद के उदय के साथ साथ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद इमेज ऑफ भारत माता आपने कभी चीज सोची है कि सर जर्मनी में जर्मन कभी जर्मनी को अपनी मदरलैंड नहीं कहते दे कॉल इट देयर फादरलैंड क्लियर यह चीज फन फैक्ट आपको पता था कि सर जर्मनी में लोग जर्मन नेशन को एज अ फादरलैंड Uh, संबोधित करते हैं दे जस्ट कॉल इट अवे लाइक जर्मनी माता Although आपने uh, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आपने इनके बारे में सुना होगा, अरे right? you know पता है ना राइट right? so उसी तरह सर इंडिया को एसोसिएट करने के लिए एक फिगर का किया गया और उनको नाम दिया गया भारत माता फर्स्ट क्रिएटेड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर आप जिनको कह सकते हैं बंकिम चंद्र चैटर्जी राइट जिन्होंने क्या लिखा था वंदे मातरम क्लियर इट्स नॉट एंथम इट्स क्लियर है ये राष्ट्र गाना होकर राष्ट्र गीत है बेटा ठीक है बंकिम चंद्र चैटर्जी जिन्होंने क्या लिखा था वंदे मातरम उन्होंने ही सबसे पहले सर भारत माता की इमेज बनाई क्लियर और ये इमेज क्यों जरूरी है ये मुझे आप बताएंगे कमॉन टैलमी सर इमेजेस क्यों जरूरी हैं क्यों अब जरूरत पड़ी कि सर ओके okay, हम भारत माता डिवाइड करते हैं चले भारत माता बनाते हैं आउट ऑफ इमेजिनेशन आउट ऑफ नो वे क्यों बिकॉज कहीं ना कहीं ये फिलोसफी हमेशा काम करती है थाउजेंड वर्ड्स क्लियर और भारत माता क्यों भारत पिता क्यों नहीं बिकॉज सिंस द एंशंट टाइम्स सिंस आवर टाइम्स आवर ओल्ड कल्चर सिविलाइजेशन दे हैव बीन कॉलिंग इट लाइक अ मदर मदर एक mother जो शायद बच्चों की देखभाल करती है मदर नेचर मदर अर्थ मदर इंडिया

एक्सट्रीमिस्ट फेज गांधीयन फेज हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट के एक इतने बड़े धड़े को इतने बड़े हिस्से को एक चीज में टर्म कन्वर्ट uh, कर दिया दैट इज गांधी मूवमेंट जहां पर मेन रोल की हाउ वी विल बी टेकमेंट फॉरवर्ड हम इस चीज से आगे कैसे बढ़ने वाले यहां तक चीजें क्लियर हुई फिर बात आई सर की ओके हमें जरूरत महसूस क्यों पड़ी भाई ऑब्वियस ही बात है एक आपका दुश्मन है ओके मेरा दुश्मन है और मान लीजिए दोनों कॉमन है वो सेम इंसान है जो आपसे भी दुश्मन रखता है मुझसे भी दुश्मन रखता है तो आप कभी उसके घर जाएंगे उसको मारेंगे पीटेंगे धमकाएंगे डराएंगे नहीं काम चल रहा है ही इज मोर पावरफुल देन अस सिंगुलरली कैसा हो अगर हम दोनों जाएं एक साथ और फिर अगर आपने बात मनवाने की कोशिश करें चीजें शायद दूसरी साइड टर्न आउट हो सकती है राइट तो सेम चीज इन्होंने करने की कोशिश की कि सर अकेले अकेले डाइविएट के रहने से अच्छा है भटक के रहने से अच्छा है कि साथ आए कोई ऐसी चीज हो जो हमें जोड़ सके एंड दिस वॉज द थिंग इमेज ऑफ भारत माता डिजाइन बाई बोपाध्याय और चैटर्जी अब तक चीजें समझ में आई आगे बढ़ते मदरलैंड नॉट भारत पिता सो इट इज मदरलैंड लेटर टू इज इज इंक्लूडेड इन इज नॉवल आनंद वाइडली संघ ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बेंगोल सर जब तक तो बंगाल में में आंदोलन चल रहा था लाइक बंगाल विभाजन के टाइम से तो उस समय ये चीजें बहुत ज्यादा गाई जाने लगी और जस्ट बिकॉज मेरे को था कि फोकलोर्स और सॉन्ग्स सर कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को यूनाइट करने में अपनी इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले कर सकते हैं जस्ट बिकॉज म्यूजिक हैज हैविंग नो बाउंड्रीज नो लैंग्वेज बैरियर्स क्लियर यहां तक चीजें सही जा रही थी बेटा नाउ मूव बाय द स्वदेशी मूवमेंट अविंद्रनाथ टैगोर नाम नाम कुछ सिमिलर सा लग रहा है रविंद्रनाथ टैगोर

रिसेंट like, रिपोर्ट कि सर मान लीजिए पंद्रह लोग हैं ओके आपको कुछ बात बताई जाती है और आपको क्या करना है कि सर आपको बात सिर्फ अगले बंदे तक पास ऑन करनी है ठीक है क्योंकि आपको कुछ बात बताई गई आपने उसकी कानून जाके बता दी जस्ट टू सी ये टेस्ट करने के लिए कि सर ओके चीजें कितनी जल्दी बदल जाती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ठीक है परसन तो परसन, और आप मानेंगे नहीं इट वॉज सो ड्रेस्टिक इन चेंज कि सर जो पहले इंसान को बात बताई गई थी ना ओरिजिनली वो कंप्लीट अलग है जो लास्ट वाला बता रहे वापिस आके क्योंकि बात आगे तक पास ऑन होती गई तो हर इंसान ने अपने हिसाब से कुछ चीजें ऐड की कुछ काट दी कुछ छोड़ दी कुछ रह दी और आखिर तक पहुंचते पहुंचते बेटा उस चीज का पूरा हुलिया बदल चुका था ये माने समझ पा रहे तो सर यही हुआ पहले एक भारत माता बनाई थी सर किसने बंकिम चंद्र चैटर्जी सर ने क्लियर सर बंकिम चंद्र चैटर्जी तो उन्होंने क्या भारत माता बनाई ये आप ये देखेंगे क्लियर लेकिन जैसे जैसे ये प्रिंट आगे बढ़ता रहा लाइक देश के कई हिस्सों में चीजें पहुंची अब कई हिस्सों के लोग कलाकार हैं देवर क्रिएटिव तो उन्होंने कुछ ऐड किया कुछ सब्जेक्ट किया कुछ ऐड किया कुछ सब्जेक्ट किया एंड नाउ कैन यू जस्ट इमेजिन कि सर एक सिंगल भारत माता इन हाउ मेनी फिगर्स इन हाउ मेनी वेज एंड इन हाउ मेनी स्टाइल्स शी इज पोर्ट्रेड ऑन पॉपुलर प्रिंट्स और पॉपुलर प्रिंट कुछ नहीं है जस्ट मान लीजिए कि सर ये प्रिंट ये जो फोटो थी ये वाइडली सर्कुलेटेड फोटो हुई तो सर ये क्या जाएगा पॉपुलर प्रिंट क्लियर तो ये तीन इमेजेस मैंने सिर्फ इसलिए ऐड की गई थी ताकि आपको दिखा सके आपको पता चल सके कि ओके चीज़ें सर कैसे चेंज होती हैं जो दो इंपॉर्टेंट थी वो आपको बता दी गई है राइट सर फर्स्ट वन इज अविंद्रनाथ टैगोर अदर वन इज बंगम चंद्र चैटर्जी इनका कोई पर्टिकुलर एज इन लाइक ना आपकी बुक में ना आपके टेक्स्ट में और आई डोंट थिंक इट इज दैट मच इंपॉर्टेंट कि आपको इन सबके क्रिएटर्स पेंटर्स आर्टिस्ट के नाम याद हो आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि सर ओके चीज़ें एरिया टू एरिया पार्ट टू पार्ट आर्टिस्ट आर्टिस्ट कैसे डिफर करती हैं राइट Got that point? इतनी क्लियर हुई समझ में आया आगे बढ़े चलिए आगे बढ़ते मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर इंडियन फोकलोर मतलब सर भारतीय लोकगीत क्लियर तो जब लोकगीतों के उत्थान के लिए बातें शुरू हुई तो सर एक कॉमन प्रोप पॉइंट क्लियर सर एक कॉमन नेशनलिज्म का पॉइंट और द सेंस ऑफ कलेक्टिव कलेक्टिविंग डेवलप की गई किन से इंडियन फोकलोर से भारतीय लोकगीतों से क्योंकि सर ये माने कि ठीक है चलो भाई जगह अलग है संस्कृति अलग अलग है है सब कुछ लेकिन जो हमारा कोज है लाइक जिसके लिए हम प्रे कर रहे हैं जिसके लिए हमें मोटिवेट करना लोगों को वो कोज तो सेम है ना राइट तो सर जैसे ही बातें चली कि ओके हमें भारत के लोकगीतों की तरफ खास ध्यान देना पड़ेगा सो so, हर एरिया के जो आर्टिस्ट थे जो लोकगीत थे उनमें राष्ट्रवाद शामिल होता गया होता गया होता गया राइट right? और इन्होंने दे जस्ट दैट मच यू नो जस्ट पावर कि ठीक है सर आपको अगर किसी को मोटिवेट करना है फॉर एग्जाम्पल जस्ट प्ले नेशनल एंथम इन बिटवीन द क्राउड ऑफ थाउजेंड लैक्स ऑफ पीपल एंड ईच वन ऑफ देम लाइक विल बी स्टैंडिंग लाइक स्टिल सो ये बातें होती है जब आपको पता चल रहा है कि सर म्यूजिक इज हैविंग नो रिलीजन म्यूजिक इज हैविंग नो लैंग्वेज म्यूजिक इज जस्ट फ्री टू फील क्लियर

Like, uh, जब हम छोटे थेखर राजु सरदार हुई ऊधम सिंह देर आर सो मैनी तो हमने लाइक like, छोटे छोटे बच्चों में तो वो आई गेस uh, पांच रुपए दस रुपए की बुक्स आती थी उन्होंने वो किससे कहानिया वो मिथ आप फोक टेल्स कह कह लीजिए लीजिए लेजेंड्स कुछ भी कह लीजिए सर उन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया क्यूं? क्यों क्योंकि सर इन चीजों के माध्यम से वो लोगों को और साथ लाना चाहते थे नहीं समझ में आ रहा भाई आपके पास अगर आपको ये पता चले कि सर हमारे पास कहानियों का पूरा अथा भंडार है और हम उन कहानियों को अपने तरीके से थोड़ा फेरबदल कर कर अपने राष्ट्रवाद में हम उनका यूज कर सकते हैं अपने राष्ट्रवाद को एक्सप्लोर करने में और एक्सपेंड करने में टू मेक पीपल मोर अवेयर टू मेक पीपल मोर अगर उनका यूज किया जा सकता है दैट्स वेयर The sense of of collective belonging was emerging. These tales, they believed, they believed, gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces. Oh. और उनको जो क्यों गया था लेकिन like, उनको हिफाजत से संभाल के क्यों रखा गया था जस्ट बिकॉज सर क्योंकि हर किसी को एंड आई गेस एवरी वन वॉज इन डाउटर विल बी गेट करप्टेडी गेट इंग करप्टेड क्योंकि सर जो आउटसाइड फोर्सेज फोर्स की बात कर रहे हैं No so so so, uh, do तो, चीजें चली जाएंगी एंड आवर नेशनल स्ट्रगल आवर कल्चर आवर ट्रेडिशन दे विल्सोलूटली करप्टेड क्लियर तो ये मान लीजिए एक पंथ कई काज दो काज नहीं कई काज इन्होंने कई चीजें एक साथ अपने साथ सोल्व किए क्लियर आगे बढ़ते बेटा इन बेंगोल क्यों क्योंकि सर आप माने ना आप माने इस चीज का बट नेशनल बेंगोल एरिया क्लियर सर इन बेंगोल रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगिन कलेक्टिंग बैलेट नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स एंड लेट द मूवमेंट फॉर फोक रिवाइवल क्लियर इवन रविंद्रनाथ टैगोर दे जस्ट नो पुट फॉर एंड ही डू जस्ट Helped out with each and everything, collecting nursery rhymes, ballads, and myths. Clear. Agla point. Pade. Sir, when it comes to Madras, in Madras, Natasha Sastri, clear, published a massive four-volume collection of Tamil folk tales. Tamil folk tales for collecting or just know uprooting the sense of collective belonging in the southern India. Clear. So Natasha Sastri published a massive four-volume collection of Tamil folk tales.

जो उन सोसाइटीज ने उन कल्चर्स ने इतने पीढ़ियों से वर्षों से अपने आप के संजोग रखा है अपने आप तक संभाल के रखा है क्लियर एंड इट वॉज द मोस्ट ट्रस्ट वॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टर क्योंकि लोग कथाएं में लोग क्या सुनाएंगे क्या समझाएंगे क्या बताएंगे लोग कथाओं में होगा क्या सर लोग क्या सोचते हैं कैसे सोचते हैं कैसे वो अपने समाज को अपने थ्रू यू नो जस्ट मेंटेन करना चाहते हैं चलाना चाहते हैं सो दिस वॉज ऑल एवरीथिंग क्लियर आगे बढ़ते हैं डोंट वरी चैप्टर इज नॉट ओवर सर एज अ नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड नेशनलिस्ट लीडर्स बिकम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच एंड सिंबल्स इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग इन देम दैम फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म कैसे जब ओलंपिक्स होते हैं बेटा ओके okay, ये मान लीजिए कि सर जब ओलंपिक्स होते हैं तो जो भी एथलीट्स इफ दे आर द विनर्स

डेलपिंग और जस्ट मेकिंग आउट थिंग्स जो लोगों को साथ जोड़ सके। so सर, आगे बढ़े नाउ ड्यूरिंग द स्वदेशी एंड येलो वॉज डिजाइंड वेरी फर्स्ट क्लियर मंगीम चंद्र चैटर्जी का बंदे मात्र आ गया राइट एंड इट माइट बीक डिपेक्टिंग डिफरेंट थिंग्स सो हम इनका जो है, जो डेसेफरिंग है वो हम फिर कभी करेंगे राइट right? आज की क्लास में हम सिर्फ चैप्टर करते ट्राई टू चीजें कैसे ट्रेवल कर रही थी बाई दिन गांधी जी डिजाइन द स्वराज फ्लैग स्वराज मीन सेल्फ रूल इट वॉज अगेन ट्राई कलर बट रेड ग्रीन एंड वाइट एंड अ स्पिनिंग व्हील इन देंटर स्पिनिंग व्हील इन देंटर क्यू बिकॉज सर स्पिनिंग व्हील जिसे हम हिंदी में चरखा भी बोलते हैं राइट सर स्पिनिंग व्हील सेल्फिप क्लियर इट वॉज अ मीन्स ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस की सर आत्मनिर्भरता का इट विल बी अस्ट सिंबल ऑफ आवर पावर एंड डिटर्मिनेशन क्लियर और उनको ये लगता था कि सर अगर हमें इंडिया का डेवलपमेंट करना है तो हमें ग्रास रूट से शुरू करना पड़ेगा हमें गाँव से शुरू करना पड़ेगा हमें गाँव के लोगों से शुरू करना पड़ेगा और उनके लिए सबसे पहले क्या है सर टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट सेल्फ डिपेंडेंट हैव टू बी डिपेंड ऑन अदर्स फॉर लाइक द क्लोथ नीड्स क्योंकि सर ये वो चीज थी जो घर घर में चलाई जा सकती थी इसलिए गांधी जी थॉट सो हाई ऑफ इट एंड पुट इट इन द सेंटर ऑफ द नेशनल फ्लैग दैट इज Sir, red, green, and white, clear. And had a spinning wheel in the center representing the Gandhian ideal of self-help, that is self-dependence, clear. Carrying the flag, holding it aloft during marches, became a symbol of defiance. Defiance means you struggle for independence, clear. तो सर गांधी जी जब भी कहीं मार्च में जाते कहीं कोई मार्च निकालते इफ दे आर इवन प्रोटेस्टिंग तो लोगों को यूनाइट करने का एक सबसे अच्छा जरिया मिल गया मिल चुका था सर स्टार्ट होस्टिंग योर ट्राई कलर स्टार्ट होल्डिंग इट एंड वॉकिंग इट क्लियर आपके हाथ से उनको पकड़ के आप चलिए पीपल विल फॉलो यू पीपल विल कैरी दैट सिंबल अलोंग विद देम क्यों क्योंकि दे आर एबल टू रिलेट टू समथिंग सर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं समझ में आता है अंग्रेजों के खिलाफ कर रहे हैं समझ में आता है लेकिन अपना जो प्रतीक होता है वो कैसे शो करें उ विलो टू डेमसेल्व ट्रू द सोसायटी टू दर्ल्ड ऑन एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ब्ला क्लियर सो इज दट क्लियर यहां तक सबकी बातें एवरी वन एल्स गाइज आई यू गैटिंग इट चीजें समझ में आ रही है राइट चले सर आगे बढ़ते फिर नाउ हिस्ट्रीज टू यूनाइट पीपल अब एक बात बताइए हिंदी में एक कहावत है एक मुहावरा है कि सर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता इट इज नॉट एवरी वन कप ऑफ केक क्लियर तो सर जब एक अकेले इंसान की बस की बात नहीं है तो क्यों ना साथ मिलकर काम किया जाए एंड हिस्ट्रीज प्लेड मेजर रोल इन यूनाइटिंग पीपल कैसे ओके okay. सर सबसे डेवलप्ड नेशन इन द वर्ल्ड कौन सा अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल विल आंसर क्लियर मैं आपको सभी चीजें समझा रहा हूँ सर दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा किस के, के पास अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ी डिफेंस फोर्स किसके पास अमेरिका सबसे स्ट्रांगेस्ट अमेरिका इंटेलिजेंस अमेरिका 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 बट वॉट इट इज एक्चुअली होल्डिंग सर ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप पे है राइट ना फाइनेंशियल इंडेक्स में उसको कुछ अच्छा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी देशों से पीछे यूएस राइट सर देर आर सम सोशल इविल्स इज वेल आप उनसे कुछ भी गए एक देश इन सब के बीच में इन सब चीजों के बीच में फंसा right? हुआ है एंड इट माइटेल्फ इन फ्यूचर हमें ऐसा दिखाया गया है हमें ऐसा पढ़ाया गया है कि सर हिस्ट्री इज बींग रिरिटन एवरी सिंगल टाइम एवरी सिंगल मोमेंट हिस्ट्री इज ऑलवेज रीरिटन और हिस्ट्री कौन रीराइट करते हैं you know समझ में आगे बेटा चीज है तो सर हिस्ट्री टू तरह हमारे साथ भी छल किया गया था हमें बताया गया सो प्रिमेटिव सो बारबेरियन आप uh, मानव जीवन जीने के लायक नहीं है आपको राज करना नहीं आता हम आए हैं टू कैरी द्वार मैं सर हमारे ऊपर परमाता का बोझ है कि हम आपको सभ्य बना के जाए okay. वो नेशन जो सर सिंस 1600 और इवन 1700 तक अरेंज मैरिज के चक्कर में फंसा हुआ था गुला हुआ था वो हमें आके सिखा रहे कि ओके वी आर अब शुरू करते हैं हाउ हिस्ट्री हैज प्लेड इट्स रोल इन यूनाइटिंग पीपल कैसे सर अनादर मींस ऑफ क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताओ एटीन फिफ्टी सेवन हमें ब्रिटिश स्कूल ऑफ हिस्ट्री क्लियर या फिर गौथिक स्कूल ऑफ हिस्ट्री आप कुछ कह लीजिए या नियो क्लासिकल कह लीजिएगा ठीक है ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ हिस्ट्री ऑक्सफोर्ड हिस्टोरियंस ऑल द ब्रिटिशर्स और वेस्ट हिस्टोरियंस मुझे एक भी हिस्टोरियन ऐसा नहीं मिला जिसने 1857 के रिवोल्ट को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह के कुछ किया हो लाइक like, उन्होंने उसको कैटेगराइज भी किया हो उन्होंने क्या बोला सर म्यूटिनी और पीपल वर रिवोल्टिंग जस्ट फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स ये उनका कहने थे क्यों ना अगर हमें लोगों को यूनाइट करना था क्यों ना हम उनमें ऐसे जान फूकें कि हम उनको बताएं कि ओके दिस वाज द रियल हिस्ट्री दिस वाज द ट्रू सेंस जो आपको बताया गया पढ़ाया गया वो नहीं भाई चीजें ये हैं इफ रानी लक्ष्मीबाई के साथ अन्याय हुआ था उनके साथ गलती की गई थी जी डॉक्टर सबको पता है सर क्लियर कैसे उन्होंने अवैध नाजायज तरीकों से राज्यों को हड़पा था इट वॉज नॉट ट्रू कंप्लीटली सर ब्रिटिश गॉड्स मैन और एंजल्स ऐसा कुछ नहीं था सो द नेशनलिस्ट और द हिस्टोरियंस दे स्टार्ट द री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री मतलब सर इतिहास का इतिहास की पुनर्विवेचना क्लियर कि सर हम बताएंगे आपको कि इतिहास कैसे था कैसे लिखा गया है और हम उस इतिहास से क्या सीख सकते हैं ब्रिटिश सो इंडियंस एज बैकवर्ड जो बताई थी आपको प्रीमिटिव प्रिमिटिव मतलब बारबेरियन सर आदिमानव क्लियर इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग जो सर आपने आपको शासित नहीं कर सकते या वो शासन नहीं संभाल सकते इतने लायक नहीं है वो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को ऐसे ट्रीट किया उनको ऐसे बताया गया आते ही

जो शायद आपसे कहीं ज्यादा एडवांस थी कहीं ज्यादा चीजें फैली हुई थी थिंग्स वर सो एडवांस थिंग्स वर सो ग्रेट न्यूज कांट इवन इमेजिन क्लियर आप सोच भी नहीं सकते चीजें वैसे थी हमने उसी चीज को दूसरे तरीके से समझाया विद प्रूफ दिखाया समझाया लोगों को बताया सो दे विल कम टू एग्री क्लियर एग्री ओवर इट और इस तरह हमने लोगों में एक नए उत्साह का फूका संचार किया और वेन वी वर एक्सेलिंग इन सो मेनी एरियाज जैसे सर ग्लोरियस रेलवेंट्स इन एंशियन टाइम्स आर्ट एंडचर बात हो गई आप साइंस की मैथमेटिक्स की बात कीजिए वराम चरक आप रिलीजन की बात कीजिए कल्चर की बात कीजिए लो एंड फिलोसफी आप मनुस्मृति की बात कीजिए क्राफ्ट एंड ट्रेड आप मर्चेंट गिल्ड्स यू नो मल्टीटरल ट्रेड आप इनकी बात कीजिए सर इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल नुमाइंदे मेसोपोटामिया ओमान तक ट्रेड करते थे सो यू कैन से और यू कैन जस्ट गेट टू नो कि सर ओके हाउ मच एरिया वर दे कवरिंग फॉर जब तक शायद यूरोप में सभ्यता का कोई जिक्र भी नहीं था

ओके आकाश कुमारी सर आप कहाँ से हो वेल आई एम इन डेली बेसिकली आई हेल फ्रॉम हरियाणा ठीक है तो मैं हरियाणा से बेटा चलिए सर अगला पॉइंट क्या कहता है सी अगर मैं आपको बता दूं कि ओके okay, आपने पीछे ये ये किया था फिर आपके परिवारजनों ने ऐसा कुछ किया था तो आपके दिन से जोश एक्साइटमेंट फीलिंग आई है कि, कि सर, अगर वो ऐसा कर सकते मैं भी कर सकता हूँ मैं करके दिखाऊंगा राइट right? ऐसा कुछ हुआ एंड पीपल वर अर्ज उनसे रिक्वेस्ट की गई टू कीप स्ट्रगलिंग टू चेंज द मिजरेबल कंडीशन ब्रिटिश रूल कि सर अगर हमारा पास इतना ग्लोरियस रहा है तो हम अपना प्रेजेंट सही करने पर ध्यान क्यों नहीं देते हम क्यों ब्रिटिश नीचे कुचले जा रहे हैं दबे जा रहे हैं हमारा शोषण किया जा रहा है राइट सर पेपर विल बी ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉर क्लास एट्थ अथहर एज फार एज सही एग्जाम्स आर मोस्ट लाइकली टू बी कंडक्टेड ऑनलाइन मोड लाइक ऑफलाइन अगर कुछ एंड मोमेंट पर कुछ डिस्कस होता नहीं है कुछ डिसाइड नहीं है तो बात अलग है बाकी थिंग्स विल ट्राई टू बी लेस नो इन मोर सोटेड वे ओके शक्लवेन इसरार मैसेज दैट्स योर विश शक्लान नाउ वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट सर ओके okay, हमने जो चीजें देखी भाई ठीक है हमने फोकलोर्स बनाए हमने लोकगीत बनाए लोक कथाएं बनाई हमने पुरानी कहानियां हैं उनको फिर से डिस्कवर किया हमने लोगों को अपनी हिस्ट्री के बारे में ठीक से बताया फिर से बताया अच्छे तरीके से जैसे तोड़ मरोड़ के पेश की गई थी वैसे नहीं जैसा ब्रिटिश ने हमारे साथ किया था वैसा नहीं बट इन जनरल राइट हाई शक्लवान हेलो ओके तो सर हमने इन सबसे री इंटरप्रेट की हिस्ट्री को हमने हमारी पुरानी जो इतिहास था हमने उस पर गौरव किया ओके okay, तो सर इन चीजों से आखिर हुआ क्या लाइक like, कंक्लूजन क्या निकला भाई ठीक है हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस सिविल डिसऑर्डेंट काफी अच्छे आज तक तो तो जो पूछा राइट right? उसके बाद सर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग शुरू हो गई

he achieved the success or he achieved the final goal clear and I am saying thing in again keeping in the purview of the learn cooperation movement you ki know, उन्होंने withdraw क्या tha because people were getting you know just silent they were just getting tired ki, sir डेढ़ साल हो गया लड़ते-लड़ते हमें कुछ मिला क्यों नहीं अब तक वो एक graceful exit चाहते थे जो उनको मिल गई so he was like kinda happy वो खुश थे okay चलिए sir third point but as diverse groups and classes participated

एंड फ्रीडम फ्रॉम कलनियल रूल हैज मेड डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल कहते ना वो वट स्वराज मीनस टू ई एच एंड एवरी वन ओके अथर शिवाज सिंह सिंह सर पीपल विल बी ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉर क्लास एट आई गेस अथर आई है क्वेश्चन बेटा राइट आई गेस यूर लोस्ट एट दैट टाइम सो एक बार चेक कर देखिएगा अराउंड टू टू थ्री मिनट्स आगो आई हूव क्लियरली आंसर डर क्वेश्चन वी कांट से एनी थिंग फॉर श्योर फॉर डेफरेंट लाइक दिस क्योंकि अभी तक कोई गाइडलाइंस ही नहीं है एंड एज एन वेन इट विल बी आउट यू विलटिंग टू नो इट डोट वरी ठीक है

इसलिए कांग्रेस का यह ख्याल रखना कि सर अगर हमें लोगों को इकट्ठा करना है तो कहीं ऐसा ना हो कि एक ग्रुप एक कम्युनिटी जो चाहती है वो दूसरे के लिए खतरा ना हो या वो दूसरे को उससे वंचित ना कर दे ये कांग्रेस को तो ध्यान रखना था क्लियर और लास्ट जो कंक्लूसिव पॉइंट है सर द हाई पॉइंट्स ऑफ कांग्रेस कांग्रेस के हाई पॉइंट एक्टिविटी एंड द नेशनलिस्ट यूनिटी वर फॉलोड बाय फेजेस ऑफ डिस यूनिटी एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स तो ऐसा नहीं कि सर थिंग्स वेंट स्मूथ नो रोड फॉर रोड्स रोड बिट अप्स एंड डाउन क्लियर बट वी डूज होप इनशनियल रूल तो सर देखने की बात क्या थी आखिर में जब हम आज ये चीजें देखते हैं कि सर ओके वट वॉज द इम्पोर्टेंस एंड वट वॉज द लॉजिक ऑफ ए कलेक्टिव बिलोंगिंग सर क्या था कि ठीक है भाई हमने इतने दो नेशन वाइड मोवमेंट करके देख लिया ओके okay. मोवमेंट सक्सेसफुल भी रहे काफ़ी हद तक अपनी जगह पे लेकिन सर जब तक मास पार्टिसिपेशन पूरे देश से लोगों का गुस्सा उमड़ेगा नहीं लोग इकट्ठा खड़ा नहीं होंगे तब तक आज़ादी शायद नहीं मिल सकती थी इट वो एक मुश्किल चीज़ होती सर अचीव करने की तो उसके लिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे जो तो नेशनलिस्ट उन्होंने क्या सोचा कि सर क्यों ना हम ऐसे डिवाइसेस जनरेट करें अपने ऐसे डिवाइस बनाएं जो सर लोगों को साथ लेके आ सके वो डिवाइसेस क्या थे फोक लोर्स सर फोक टेल्स सॉन्ग्स हाइम्स स्टोरीज एंड एवरीथिंग राइट right. उन्होंने वो चीजें की लेकिन सर इतनी बड़ी डाइवर्सिटी होनी बात जिस चीज़ कांग्रेस के लिए भी मुश्किल करना तो मैनेज करना काफी मुश्किल था एक मुश्किल भरी बात रही कि सर एक ग्रुप जो चाहता है वो दूसरे ग्रुप के लिए एंटी ना हो जाए दूसरा ग्रुप कहीं खुद को उस चीज से एलिनेट महसूस ना कर ले कि सर हमें तो पूछा ही नहीं जा रहा वो एक एलिनेशन वाली फीलिंग ना है उनके दिमाग में राइट और जैसी चीजें माथे साफ आती दिखाई दे रही थी साथ में सर साथ आने के बाद उनमें और ज्यादा इश्यूज होने लगे वाई बिकॉज इट इज हार्ड इनफ टू नो अकोमोडेट द डाइवर्सिटी क्लियर एंड विद दिस थिंग वी वुड लाइक टू रैप अबाउट चैप्टर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन आई होप इट वॉजरी इन्फॉर्मेटे सेशन आई हैड फन विद यू गाइज एंड होप फॉर द वेरी सेल्फ क्लियर तो मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए ख्याल रखिएगा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप स्टडिंग थैंक यू थैंक यू वेरी मच